हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू ऑल। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल साइको ट्यूबर और मैं हूँ आपके एजुकेटर रजनी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट के बारे में, या फिर आप उन्हें बोल सकते हैं सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर फिलोसोफर, जो कि जर्मन बैकग्राउंड के हैं। तो उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है साइकोलॉजी में, जो यूजीसी नेट एग्जाम में आपसे पूछा गया है वेस्टर्न पीरियड के अंदर, कि वेस्टर्न साइकोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है, कैसे वो इमर्ज हुई। उसमें जो मेन इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, डैट इज़ विल्हेल्म टिल थे, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और उनका थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे, उसके साथ ही उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन है कि उन्होंने मेनली क्या किया। तो आपको पता होना चाहिए कि विल्हेल्म ने ह्यूमन साइंसेस में साइकोलॉजी को एंटर कराने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, क्योंकि ह्यूमन साइंसेस में, या फिर बोल सकते हो आप ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ में, बहुत ज़्यादा हम अपने एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं। ओके, और डिफरेंट क्या मेथड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, हम कैसे उसे जज कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और कौन से ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ हैं जो ये सब चीज़ें करती हैं, तो कैसे एक नेचुरल साइंसेस से हम डिफरेंट करते हैं ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ को, कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो आज हम स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो विल्हेल्म ने दिया है उसका मेनली क्रक्स क्या है, उसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, तो उसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं शुरू होता है कि उन्होंने मेथडोलॉजी पूरी एक दी ह्यूमनिस्टिक्स के लिए और ह्यूमन साइंसेस के लिए, कि हम कैसी एक प्रॉपर मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही उन्होंने डिफरेंट जो है अपनी पब्लिकेशंस की हैं, 14 वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश किए हैं। तो उसमें हमें मैक्सिमम ये जानने को मिलता है कि उनका वे ऑफ वर्क कैसा है, उनका फिलोसफिकल माइंड जो है वो उनके आर्टिकल्स में या उनके टाइटल्स में देखने को मिलता है, कि उनका जो इंटेलेक्चुअल हिस्टोरिकल जो रीजन है और उनका फिलोसफिकल वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेसिस पर है। ओके, तो उनका मेन कंट्रीब्यूशन यहीं से शुरू होता है कि उन्होंने एक वेग जो पहले कंसेप्ट बना हुआ था साइंसेज ऑफ मैन, सोसाइटी, स्टेट को हम बोल देते थे ह्यूमन साइंस। ओके, तो ये सब एक वेग सी डेफिनेशन थी जो पहले दी जाती थी, बट उन्होंने बताया कि इसको अच्छे से हमें एक डिनोट करना ज़रूरी है, एक फील्ड बताना ज़रूरी है कि कौन से फील्ड जो है ह्यूमन साइंसेज में आते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि हम सोशल साइंसेज की बात करें तो उसमें साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ह्यूमन वुमेन डेवलपमेंट, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमन साइंसेज की बात करते हैं और नेचुरल साइंसेज की बात करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है, और नेचुरल साइंसेज में क्या इंक्लूड होता है और ह्यूमन साइंसेज में क्या इंक्लूड होता है, वो डिफरेंशिएट करना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम 90s की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब तो हमें पता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, बट उस टाइम पे उसका डिफरेंस उनको नहीं पता था। तो इसके लिए उन्होंने ह्यूमन साइंसेज जो है उसके बारे में बताया, जिसमें हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन, साइकोलॉजी, लिटरेचर, लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो इन सब फील्ड्स को उन्होंने इमर्ज किया। इसके साथ ही जो नेक्स्ट उन्होंने वर्क करने की कोशिश की, कि उन्होंने बताया कि हमें डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करना चाहिए। एक मेथडोलॉजी और साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप है, हमें प्रॉपर एक मेथड यूज़ करना ज़रूरी है ताकि हम उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से निकाल पाएँ। जैसे कि जस्ट हम एक मेथड पर रिलाई नहीं कर सकते, देयर इज़ अ प्लूरलिज्म, ठीक है, एक हमें कलेक्टिव वे से मेथड्स को यूज़ करना है ताकि हमें जो हम चाहते हैं जो स्टडी करना वो हम स्टडी कर पाएँ। यहाँ पे हम स्टडी करना चाहते हैं हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि वो तो हम सोच रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे अंदर है, हम वो किसी को बताएंगे नहीं। तो एक प्रॉपर एक मेथडोलॉजी का होना कि हम वो एक्सपीरियंसेस को समझ पाएँ, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को जज कर पाएँ, ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ ही इंटरप्रिटेशन हम यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम एक साइकोलॉजिकल नॉलेज को गेन कर सकते हैं हम अगर एक प्रॉपर मेथड ऐसे यूज़ करें। तो इसी से
तरीके से उन्होंने बताया कि देर इज़ अ डिस्क्रिप्टिव वे, जैसे हम जान सकते हैं साइकोलॉजी में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने जो मेन उनका वर्क है, ठीक है, वो है हर्मिन्यूटिक्स पर वर्क है उनका बेसिकली। ओके, तो इसमें क्या है, वैसे हर्मिन्यूटिक्स का सिंपल मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल, या कोई बुक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, इंटरप्रटेशंस जो हम उसकी करते हैं उसको हम हर्मिन्यूटिक्स बोलते हैं, इसलिए उन्हें हर्मिन्यूटिक फिलोसफर भी बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई एक फॉर एग्जाम्पल एक हिस्टोरिकल चीज़ है आपके पास, हम उसे देख कर समझ नहीं पाएंगे कि उसका क्या मीनिंग है। ओके, अगर हम उसे इंटरप्रेट कर पाएँ अच्छे से, उसका मीनिंग निकाल पाएँ, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। ओके, तो वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, हम जैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ जो हमने बात की, ह्यूमन साइंसेस की बात की, तो वो सारे फील्ड्स जो हैं हर्मेन्यूटिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम जस्ट कोई केमिकल, जैसे हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स होता है, हमारे पास पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक राइट एक्सप्रेशन नहीं है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, देर इज़ अ वेग थिंग, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें एक हर्मिन्यूटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, डैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, मेथडोलॉजी प्रॉपर यूज़ करनी, इंटरप्रिटेशंस करना। तो ये सब क्या हो सकता है, ये रिटन हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है। ओके, इसके साथ ही साइकोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने एक्सप्लेनेटरी साइकोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी, एनालिटिक साइकोलॉजी, डिफरेंट जो हैं साइकोलॉजी की डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनके बारे में बताया कि ये सब एस्पेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी भी आगे डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड होती है, जो उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, हम हर्मिन्यूटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही है कि अगर हम किसी के कॉन्शियस एक्सपीरियंसिस को जानना चाहते हैं तो हम थ्रू मैथडोलॉजी हम प्रॉब्लम्स के कारण एक डायरेक्ट उसको नहीं स्टडी कर पाते, तो हम क्या स्टडी कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, अगर हम उनके एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं ऑब्जर्वेशंस करके, डिफरेंट मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करके। अगर हम उनके एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे तो हम उसके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ वो पर्सन ये चीज़ फील कर रहा है। ओके, क्योंकि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, या फिर आप बात करो ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ जो हैं, वहाँ पे हमें कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं मिल रही, हमें एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, उनको हमें अच्छे से स्टडी करना है, उनका मीनिंग निकालना है। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जो वो यूज़ करते हैं वो हर्मिन्यूटिक्स है। इसके साथ ही उन्होंने जो नेचुरल साइंसेज एंड ह्यूमन साइंसेज में डिफ्रेंशिएट किया था वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें उनके डिफरेंसेस पता होंगे तो हम अच्छे से उसको स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि ह्यूमन साइंसेस के बारे में बात करें, हमने अभी बात की है जिसमें हिस्ट्री, लॉ, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स सब ऐड होता है, और वो इक्वली एक साइंटिफिक मेथड है। एंड नेचुरल साइंसेस में क्या यूज़ करता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये सब मेथड्स जो हैं एक कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो लास्ट में जो है उन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन जो है उनका, वही हमने आगे उसको लेकर गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिजेक्ट जो किया था नेचुरल साइंसेज एंड ह्यूमन साइंसेज में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया कि नेचुरल साइंसेज जो हैं जस्ट एक फिनोमेना को स्टडी करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, बट हम नेचुरल साइंसेज में जस्ट कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी नहीं करते हैं, हम उसके ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं होल एंड पार्ट में, उनके एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही जो मेन टास्क है नेचुरल साइंसेस का वो जस्ट लॉ बेस्ड है, उनको एक्सप्लेनेशंस चाहिए, बट इन ह्यूमन साइंसेस हम उसके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से, स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो मेन कंट्रीब्यूशन है उनका ये है इन साइकोलॉजी, जो आपको नेट एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ फर्दर रीडिंग्स के लिए मैंने लिंक दिए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स विलिंग हैं अगर और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर वो और ज़्यादा पढ़ सकते हैं इनके बारे में, बट दीज आर द सफिशेंट नोट्स जो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं गाइस। ओके, तो अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और आज के लेसन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो आज हमने पढ़ा है उस वीडियो का लिंक जो है, इस फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो, डैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को,
और वीडियो को पूरा देखें और समझें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, देन उसको डाउनलोड करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो. ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर.